नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुड़कारी आंवला के इजी यूज। आप अपने डेली लाइफ में आंवला को किस तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बहुत ही बिजी रहती हैं तो वो आंवला को यूज नहीं कर पाती, लेकिन आज मैं आंवला के ऐसे यूज बताऊंगी कि आप इनको डेली यूज कर पाओगे। हाँ, तो इस तरह मैं आंवला को ग्रेट कर आप मैं इसका इस तरह ग्रेट कर लूंगी, और इसको मैं ग्रेट किए आंवला को हरी धनिया वाली चटनी होती है ना, टमाटर धनिया मिर्ची वाली, उसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। आपकी धनिया का टेस्ट और भी एनहेंस हो जाएगा। ज्यादा होता है तो आप उसे ग्रेट कर करके धूप में क्रिस्पी कड़क बना सकते हो। वो आंवला सूखकर धूप में इस टाइप का हो जाएगा। इस तरह का पाउडर बन जाएगा। पाउडर को सेव करके डब्बे में भरकर सेफ जगह पर रख सकते हो। आप इसे समर सीजन में धनिये की चटनी में इतनी चम्मच यूज कर सकते हो। ऑफ सीजन में आप इसे काली दाल होती है ना, मलका मसूर, मसूर वाली काली छिलके वाली, आप उसमें भी ऐड कर दोगे तो दाल का टेस्ट काफी एनहेंस भी हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। गप्पे के पानी में भी ऐड कर सकते हो, में भी नीड कर सकते हो उस डो में। इसको आंवले के पाउडर को नीड करके इस आटे का डो बना सकते हो। आप इसे हेयर पैक में यूज कर सकते हो। आंवला सिकाकाई का जो पाउडर होता है, आप उसमें उस आंवले का पाउडर ऐड करके हेयर में अप्लाई कर सकते हो। आप इस आंवले का हेयर ऑयल भी बना सकते हो। आप इस आंवले को और जो भी ऑयल आप हेयर में अप्लाई करते हो, आप इसमें ऐड कर उस तेल को धूप में रख दीजिए। इस आंवला की प्रॉपर्टीज है उस तेल में ऐड हो जाएंगी, और उसके बाद आप अपने ऑयल को बालों में जब चाहे तब हेयर में अप्लाई कर सकते हो। आपके हेयर काफी हेल्दी और हेयर फॉल भी आपका इससे स्टॉप हो जाएगा। आप इसे जब व्रत होते हैं तो आप इसको उस चटनी में भी ऐड कर सकते हो, और इस तरह आप अपनी लाइफ में आंवले के पाउडर को इजीली से यूज कर सकते हो और अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हो इजी वे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे गुड़कारी आंवला के इजी यूज अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करना ना भूलें।